हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेज बाइट्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चकली, वो भी चावल के आटे से, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगी। चकली बनाने के लिए एक बॉल पे रखते हैं स्ट्रेनर। इसमें डालते हैं 1 कप बेसन, इसे चने का आटा भी कहते हैं। अब इसे हम छान लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इससे हमारा डो काफ़ी स्मूथ लगता है। अब ये जो बचे हुए ग्रेन्यूल्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे फेंक देंगे। अब लेते हैं 2 कप चावल का आटा। मैं 1-1 कप करके लूँगी और इसे भी अच्छे से छान लूँगी। ये काफ़ी महीन आटा है, ये आटा मैंने मार्केट से ही परचेस किया है। अब ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून रवा, इससे चकली बहुत ही क्रिस्पी बनती है। एक बार इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बारी है फ्लेवर्स ऐड करने की। 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून सेसमे सीड्स, 1.5 टीस्पून सॉल्ट। लास्ट में ऐड करते हैं इसमें 1 पिंच हींग। इन सभी को देते हैं एक क्विक मिक्स। अब इसमें सेंटर में हम थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे। इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल, आप ऑयल की जगह घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हाथ से अच्छे से मोयन देंगे, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप। ऐसा करने से ऑयल अच्छे से आटे में मिक्स हो जाता है और चकली काफ़ी क्रिस्पी बनती है। अब हम लेंगे हल्का गुनगुना पानी और इसे थोड़ा थोड़ा करके आटे में मिक्स करते जाएंगे और इसका एक स्मूथ डो लगा करके हम तैयार कर लेंगे। हमारा डो ना तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही बहुत स्टिफ होना चाहिए। अगर डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो चकलियाँ बनाते समय टूट जाएंगी, और अगर डो बहुत स्टिफ हुआ तो इसे मोल्ड से बाहर निकालने में दिक्कत होगी। अब डो तैयार है, इस पर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और इसे डो पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर एक लिड लगा करके इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। मीनवाइल हम मोल्ड को ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। ये चकली बनाने का मोल्ड है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। मैं इसके अटैचमेंट आपको दिखाती हूँ, इसे पहले ऊपर से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका पिस्टन है। इसके बाद इस नीचे वाले अटैचमेंट को ओपन करते हैं। इस मोल्ड को यूज़ करना बहुत ही आसान है और ना ही इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है। मोल्ड के साथ एक स्टार शेप की प्लेट दी हुई है, इसी का यूज़ हम चकली बनाने के लिए करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले अटैचमेंट में इस प्लेट को फिट कर लेते हैं। अब इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। साथ ही हम मोल्ड के सिलेंडर को भी इनर साइड से ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। ऐसा करने से डो मोल्ड में अंदर चिपकता नहीं है और आसानी से बाहर आ जाता है। अब पहले नीचे वाला अटैचमेंट लगा देते हैं जिसमें हमने प्लेट को फिक्स किया था। अब लेते हैं डो, इसे एक बार अच्छे से नीड कर लेते हैं। अब इसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसे हथेली पर रख करके घुमाते हुए एक सिलेंड्रिकल शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम मोल्ड में फिल कर लेते हैं। इसे अंदर डाल करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे और थोड़ा सा डो लेकर के इसे भी अच्छे से फिल कर लेंगे। अब लगाते हैं पिस्टन। मोल्ड तो रेडी हो गया है। अब एक प्लेट लेते हैं और इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इस पर हम चकली को शेप देंगे, आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। पिस्टन को घुमाते हुए डो को निकालेंगे और ये देखिए इस तरीके से राउंड घुमाते हुए हमें चकली को शेप देना है। बहुत ही आसान है, 1-2 बार की प्रैक्टिस से कोई भी आसानी से इसे बना सकता है। एंड में इसे हाथ से तोड़ करके इसी के ऊपर चिपका देंगे ताकि फ्राई करते समय चकली खुलेगी नहीं। मैं और आपको बना करके दिखा देती हूँ, आप इसे जैसा चाहें जितना बड़ा या छोटा चाहें बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान है, हमने सभी चकली को शेप दे लिया है। चकली फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गर्म करने रखा था, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 बाय 1 चकली डालेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम पर सेट कर दिया है। चकली को मैं एक स्पैचुला पर लेकर के डाल रही हूँ ताकि ये टूटे ना।
ऑयल गर्म है और इस तरीके से चकली डालना काफ़ी सेफ हो रहता है। अभी हम इन्हें फ्लिप नहीं करेंगे जब तक कि ये हल्की सी कड़क नहीं हो जाती हैं। अब हम इन्हें फ्लिप करेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में भी हम इन्हें फ्लिप करते जाएंगे। नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये देखिए दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अब हम निकाल लेते हैं इन्हें किचन नैपकिन पर। तैयार है हमारी क्रिस्पी एंड क्रंची चकली। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।